शहर के महनोत नगर निवासी पार्श सिंघल ने लॉकडाउन में कुछ अनोखा करने की सोचा। उसने YouTube पर रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उसे जीभ को नाक से टच करने का एक वीडियो दिखा। उक्त वीडियो में पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने जुबान से एक मिनट में 160 बार नाक को टच करने का रिकॉर्ड बना रखा था। यह वीडियो देखते ही पार्श के चेहरे पर खुशी छा गई, क्योंकि वह भी जुबान को नाक से टच कर सकता था। फिर क्या था, पार्श ने अभ्यास शुरू किया और पाकिस्तान के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर के इस छात्र ने एक मिनट में 250 बार नाक को जुबान से टच करके इंडिया बुक ऑफ रेस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। रिकॉर्ड बनाकर परिवार व नीमच का नाम रोशन किया। पार्श कक्षा 8वीं का छात्र है। पार्श ने बताया कि अब वे आगामी समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। बेटे की इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर पिता श्याम सिंघल व माता ने कहा कि जहां लॉकडाउन के समय छोटे बड़े सभी अपने घरों में बोर हो रहे थे, उसी दौरान पार्श ने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए यूट्यूब चैनल पर कई तरह के वीडियो देखे और कुछ रिकॉर्ड बनाने की सोचा। जब उसने देखा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ने एक मिनट में 160 बार अपनी नाक को जुबान से टच किया है, तो पार्श ने उसको लगातार करने की प्रैक्टिस की और एक मिनट में करीब 250 बार नाक को जुबान से टच कर इंडिया बुक ऑफ रेस रिकॉर्ड बनाया। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा है। मैं बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे थे, बोर हो रहे थे, ऐसे में बेटे ने सोचा कि नीमच का नाम रोशन किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे घर से बाहर भी नहीं जा सकें और कुछ नया भी हो जिससे माता पिता का नाम रोशन भी हो। तो बेटे ने YouTube सर्च करके देखा, वहाँ पर काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे इन्हें। फिर एक था नोस को टच करना है जीप से नाक को, तो बेटे ने उसकी प्रैक्टिस करी। फर्स्ट बार में 120 बार किया, फिर इसने देखा कि पाकिस्तानी का खिलाड़ी एक मिनट में 160 बार नोस टच किया, तो बेटे ने प्रैक्टिस करके उसको वन मिनट में 250 बार किया है। तो उसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है और उसके अब आगे का अचीवमेंट उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी का है। किस तो कौन सी क्लास में और किस तरह की तैयारी करता है, कितनी उम्र है और किस तरह की तैयारी करता है? ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, 8th क्लास में। इसका नाम पार्श सिंघल है और ये मात्र 13 साल का है। किस तरह की तैयारी करता था और किस तरह से कितने मिनटों में इसने जो अपना मेडल हासिल कर लिया? ये पहले एक मिनट में 160 बार नाक को टच कर लेता था जीप से, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 250 बार कर चुका है। ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा इसने बच्चे ने? अंदर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है, उसका 160 बार वन मिनट में है। अब मेरे बेटे ने वन मिनट में 250 का किया है। अब क्या चाहते हैं आगे? आगे इसकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी है। मैं लॉकडाउन के टाइम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, मतलब लॉकडाउन के टाइम को मतलब ऐसा यूटिलाइज़ करना है, उसको ऐसा इस्तेमाल करना है कि मेरा नाम कुछ फेमस हो। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था कि ऐसा कोई सा रिकॉर्ड हो जो मैं बना सकता हूँ। तो मैंने देखा कि एक है कोई पाकिस्तान का, तो उसने एक मतलब जो जीवान है ना उसको नाक पे टच करा है 168 बार। तो मैंने ट्राई करा कि मैं भी कर सकता हूँ ये, तो मतलब मेरी होती थी पहले भी टच, तो मैंने ट्राई करा कि मैं कितनी बार कर सकता हूँ, तो मैंने 120 बार करा था। फिर मैंने दो तीन बार और ट्राई करा तो मेरा उससे ज़्यादा हो गया, तो मैंने मेरे भैया को बोला कि मेरे को मैं ये कर सकता हूँ, तो मेरे को बनाना है रिकॉर्ड। तो फिर उन्होंने वेबसाइट पे जाके उनकी ऑनलाइन वो उनको भेजा मेरी वीडियोज़ और सब, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। तो फिर मैंने उनको सब मेरी डाटा भेजा तो उन्होंने ओके कर दिया, फिर बस। मैंने मतलब मैंने 258 टाइम्स करा। और किस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो? मतलब मैं ऐसा कुछ मतलब जो अलग हो सबसे अलग, और मतलब मैंने जीवान को टच करा है नाक से, वो वर्ल्ड में बहुत कम लोगों की टच होती है। सर अभी तक कितना रिकॉर्ड है इसमें? इसमें मैं 168 टाइम्स है, एक पाकिस्तान का कोई है उसने बना रखा है 168 टाइम्स। और आपने? मैंने 258 टाइम्स करा है। कितने मिनट में कराया? मैंने वन मिनट में। क्या नाम आपका? मैंने पार्श सिंघल।